छोटू छोटू वाला सब। ये चीज मैंने पहली प्रेगनेंसी से लर्न करी जो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। आज NST टेस्ट ये मेरा पहली बार हुआ था, फर्स्ट प्रेगनेंसी में नहीं हुआ था, तो मुझे आइडिया भी नहीं था कि ये क्यों होता है और किस लिए होता है। तो जब नर्स ने मुझे पूछा, सिस्टर ने, कि आपको तो आइडिया होगा, मतलब पहले हुआ होगा, तो मैंने बोला नहीं नहीं हुआ था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि फर्स्ट टाइम मॉम को नहीं पता होती हैं, पहले डिलीवरी में नहीं हुई होती हैं या फिर उनको पता ही नहीं होती है। तो कई सारी चीज़ें सेकेंड डिलीवरी में भी नई होती हैं, नई आती है हमारे आँख के सामने और हमें पता चलती हैं। तो हमें हमेशा ही डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उन्हें हमारी सिचुएशन के बारे में बताना चाहिए। एंड डॉक्टर्स को भी ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि पेशेंट हमारे पास अगर सेकेंड या थर्ड टाइम आ रहा है डिलीवरी के लिए तो उसे सब कुछ ऑलरेडी से पता ही होगा, पहले से पता होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं उनको सोचना चाहिए। अपने एंड से उन्हें सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए पेशेंट को, चाहे उसे बार बार बताना पड़े, चाहे वो अवेयर भी हो उस चीज़ के बारे में, बट स्टिल उन्हें गाइडेंस ज़रूर देना चाहिए। क्योंकि कुछ मॉमीज मेरे तरह भी होती हैं जिन्हें पता नहीं होता है काफ़ी कुछ डिलीवरी के बारे में, प्रेगनेंसी के बारे में। और मेरा तो ये कि हर चीज़ सर्च करना, पता करना, देखना, लोगों से बातें करना, अलग अलग तरीके से आर्टिकल्स पढ़ना, ये मेरा इंटरेस्ट भी है, इसलिए मुझे काफ़ी कुछ इस तरह से पता चल गया। फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो मैं बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज था, कुछ नहीं पता था, लेकिन सेकेंड में मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें अपने एंड से मैंने सर्च करी हैं और पता करी हैं। तो अभी एकदम से काम आ गए हैं मेरे सर पर, और बेबी के सारे कपड़े, एक्सेसरीज, सब कुछ वॉश करके, सैनिटाइज करके रेडी करना है। और जो कि बेबी आए, नर्सरी से रिलेटेड चीज़ें थी वो सब भी मुझे पूरी करनी, कंप्लीट करनी, कुछ नई चीज़ें मंगवानी थी, वो सब कुछ भी टाइम से मंगाना पड़ेगा। और ये 2-3 हफ्ते कब बीत जाएंगे कुछ नहीं कह सकते हैं, बिल्कुल भी अभी टाइम नहीं रह गया है। और देन उसके बाद में हमें हमारा जो हॉस्पिटल बैग है वो भी रेडी करना पड़ेगा, बेबी का बैग भी रेडी करना पड़ेगा। और एक चीज़ और, हम हॉस्पिटल में गए तो आज हमें पता करना था कि रूम्स के बारे में। तो एक तो यहाँ का जो रूम का प्रोसीजर है, पहले से हम बुक नहीं कर सकते हैं रूम, ऐसा डॉक्टर ने बोला, पता नहीं मैनेजमेंट में बात करें तो शायद बात कुछ और हो। तो पहले से हम रूम बुक नहीं कर सकते हैं, रूम्स अवेलेबल हो जाएंगे हमें जो भी रूम चाहिए होगा, क्योंकि जब हम नॉर्मल डिलीवरी के जाते डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल ही होने के चांसेस लग रहे हैं। तो नॉर्मल में जब आप आओगे, एडमिट होगे, तो आपको क्या 12 घंटे आपको लेबर रूम में ही रखा जाएगा। लेबर रूम में हमारे पास कई सारे बेड्स हैं तो उसमें कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, और तब तक रूम्स अरेंज हो जाते हैं, तो आप इमीडिएटली एडमिशन के लिए पे करके अपना रूम ले सकते हो, जो भी आपको रूम चाहिए होता है। तो कभी क्या होता है कि अगर आपने पहले से रूम बुक करके रखा है, और क्योंकि मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ऐसा नहीं कि मैटरनिटी का सेपरेट हॉस्पिटल है, तो किसी पेशेंट को इमरजेंसी हो सकती है, अर्जेंसी हो सकती है, तो हो सकता है कि उन्हें रूम की रिक्वायरमेंट आपसे ज़्यादा हो, तो इसलिए हम रूम को पहले से बुक करने के लिए अलाउ नहीं करते, सजेस्ट भी नहीं करते हैं। सो नहीं बोला ठीक है चलो, रूम तो मैंने पहले ही देखे हुए हैं, मतलब प्राइवेट वाला रूम तो नहीं देखा था, उन्होंने बोला नेक्स्ट विजिट में अगर हम चाहेंगे तो वो रूम हमें दिखा भी सकते हैं प्राइवेट वाला कैसा है। जो मेरा रूम मैंने लास्ट टाइम देखा था वो शेयरिंग में था, मतलब एक ही रूम में 2 बेड्स थे, बट वो नहीं चाहिए मुझे क्योंकि उसमें बहुत चिकचिक होती, बहुत सरदर्द होता है, और दूसरा जो पेशेंट होता है उससे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, मतलब फ़ोन कॉल्स आना, घर में बात करना, और लोगों का आना जाना लगा ही रहता है, तो यार थोड़ा डिस्टर्बेंस होता है। अपनी चीज़ों में कुछ ऐसा फील नहीं होता, जब साथ में कोई और पर्सन होता है, मतलब कहीं और का कोई पर्सन है तो प्रॉब्लम्स होती हैं। तो नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि क्या होता है। जो कन्फ्यूजन्स थी कुछ हमारे व्यूवर्स की, वो भी मैंने डॉक्टर से कंसल्ट किया और पूछा कि लाइक कुछ लोगों का सेम ड्यू डेट है लेकिन उनको डिफरेंट उनका जो जेस्टिनेशन एज है फिटल का वो एकदम अलग आ रहा है, किसी को 32, किसी को 33, किसी को 34 आ रहा है ऐसा। तो डॉक्टर ने बिल्कुल साफ साफ ये चीज़ मुझे बताई कि ज़रूरी नहीं है कि जो डेट पे आपने कंसीव किया है उसी डेट पर, उसी वक्त पर, उसी मोमेंट पे उनका भी जो बेबी है वो कंसीव हुआ हो, वो आगे पीछे हो सकता है, सबका पीरियड अलग होता है, लेकिन लास्ट LMP से जो हम जोड़ते हैं तो बिल्कुल एकदम एग्जैक्ट डेट नहीं होती ना कि उसी दिन कंसीव हो गया होगा।
तो इसलिए जो जेस्टिनेशन एज होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है, थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन बेबी इक्वली ग्रो करता है, बेबी हेल्दी रहता है सबका। तो इस तरीके से जो एज होती है, जो वीक्स का जो गैप होता है कि डिफरेंस लगते हैं आप लोगों को सेम एलएमपी से, वो इस तरीके से हम क्लियर करते हैं, इस तरीके से होता है। तो आप लोग भी परेशान मत होइए कि किसी का 34 वीक चल रहा है सेम एलएमपी, किसी का 33 चल रहा है, हमारा 32 चल रहा है। एक्चुअली ऐसा नहीं है, बेबी की जो कंसीव डेट होती है वो एग्जैक्टली आपको नहीं पता होती है। वो जब ग्रोथ स्कैन होता है या फिर बेबी का जो एंटी स्कैन वगैरह जब करते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत पता चल पाता है, ग्रोथ स्कैन में काफ़ी अच्छे से पता चल पाता है। आपके कुछ सजेशन होंगे तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर ज़रूर करना, डिलीवरी से रिलेटेड, नॉर्मल डिलीवरी से रिलेटेड, एंड ऑल्सो हॉस्पिटल बैग, बेबी बैग, क्या एसेंशियल चीज़ें आप लोग पैक कर रहे हो सकता है कि मैंने परचेज नहीं करी हो। निका यही है, ये देखो, इतना बड़ा हो गया बेबी मेरा, लेकिन अभी बीच को अपनी मम्मा चाहिए, है ना? बड़े मेरी मम्मा, छोटे मेरी मम्मा, छोटे बड़े दोनों बेबीज को माले हमारी मम्मा चाहिए, है ना? मम्मा, इनका वॉशरूम का दरवाजा बंद कर दो बेटा। प्यार आ रहा है इसको। अच्छा ठीक आए। आज अनिका को मजा आया, अनिका का भी वैक्सीनेशन होना है 5 ईयर वाला, जल्दी कराएंगे, आज ही करा लेते, लेकिन उसकी बेबी बुक मिसिंग थी, ढूंढेंगे फिर कराएंगे। अभी बर्थडे के टाइम पे बहुत सारा सब सामान इधर उधर हो गया, देखते हैं। बहुत ही सेफ तरीके से आपकी बुक रख के रख गई है ऐसा लगता है। अरे इतना सारा मामा बेबी लव ना, छोटू टू, छोटू टू, छोटू आल्सो लव, इनको पता सब किधर छोटू। आज देख के आई अनिका, डीप सी में, लो होल्ड इट, अपना वो स्मार्टा जोड़ा लगाओ ना, स्मार्टा जोड़ा क्यों क्या होता है? अरे भाई जो स्मार्ट जोड़े, पानी पियो यार। गाइस सो अभी जस्ट मैं आई हूँ, जो इंजेक्शन मुझे कल लगा था उसका सेकेंड डोज आज लगना था, तो मैं बगल में एक हॉस्पिटल है वहाँ पर इमरजेंसी में लगवा के आई, बिकॉज आज संडे था तो आज कहीं पे भी जाना वर्थलेस था, तो मैंने बगल से ही करवा लिया। और फर्स्ट वाली डोज भी बहुत पेनफुल थी, सेकेंड वाली भी बहुत पेनफुल थी, क्योंकि जो डोजेस थी वो 3 ml की थी और थोड़ी सी हार्ड होती है, तो जब ये स्प्रेड होती है तो पेन होता है, जिस नॉर्मल, लेकिन अभी आई एम फीलिंग गुड। कल से थोड़ा सा थाइज एंड कमर में क्रैम्पिंग है, जिस साइड में लगी हुई थी ऑलरेडी ये इंजेक्शन, उस साइड में पेन शुरू हो गया। थोड़ा सा हेडेक भी है, जो कि उन्होंने बोला था कि हल्का फुल्का रहेगा 2 days, बट दीज ऑल दीज थिंग्स आर नॉर्मल, सो डोंट टेक स्ट्रेस। सो अभी देखते हैं कि सेकेंड डोज के बाद क्या होता है। अभी मैं नहाने जाऊंगी थोड़ी देर बाद, क्योंकि बाहर बहुत धूप थी, धूप से हम आए हैं, तो मैं बस ये बाथरोब डाल करके बैठी हुई हूँ, और अब मैं नहाऊंगी, फ्रेश अप होंगी। 1 बज गया है दिन का, 1 बज गया मुझे, देखो 2 बज रहे हैं यार। सो फिर नहा के आऊँगी, देन उसके बाद में मैं लंच करूँगी। ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने, दलिया वगैरह भी आज दिन में मैंने खा ली थी और खा के गई थी। चलो फिर मैं बाकी सारी अपडेट जो है और जो डिटेल्स हैं वो भी मैं बताऊंगी आपको इसी वीडियो में। सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है और 3.5 वीक ही बस रह गया हमारे पास, डिलीवरी कभी भी हो सकती है, तो हमने अभी से प्रिपरेशन करना अब शुरू कर दिया है। अनिका के कुछ जो पुराने कपड़े थे, मतलब चाइल्डहुड वाले, उसके न्यूबॉर्न वाले कपड़े थे, वो सब एक्सेसरीज वगैरह हमने निकाल के रखी है और इसी कैटेगरी डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पर। हाय गाइस, सो आज हमने अनिका के न्यूबॉर्न वाले जो क्लोथ्स हैं वो निकाल के रख लिए हैं, और इधर ये नए वाले क्लोथ्स भी हैं। इसका भी मैं आपको बताऊंगी कि नए कपड़ों को किस तरीके से आपको वॉश करना है और इसकी केयर कैसे करनी है। फिलहाल जो पुराने कपड़े हैं अनिका वाले, उसमें से इसेंशियल चीज़ें मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि ये देखो, ये वाला जो कपड़ा है
और ये एक्चुअली झबला स्टाइल का कपड़ा है, इसमें फ्रंट नॉट्स होती है, कोई बटन नहीं होती, कोई इलास्टिक नहीं होती है, तो इस तरह के कपड़े न्यूबॉर्न बेबीज के लिए बहुत अच्छे होते हैं जो सामने से ओपन होते हैं ना, और सॉफ्ट मटेरियल वाले कपड़े ही आप परचेज करो। तो ये सब हमने अभी नहीं लिया क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ये सारी चीज़ें पहले से थी। इस तरह के कपड़े हैं, इस तरह वाले जो कपड़े होते हैं जो फ्रंट से ओपन होते हैं, और कोशिश करो कि थोड़े छोटे ही कपड़े लो। जब आप बड़े कपड़े में इन्वेस्ट कर देते हो ना, जनरली लोगों को लगता है कि बड़ा कपड़ा ले लो तो आगे तक काम आता है, लेकिन बच्चे एक्चुअली बहुत छोटे होते हैं और बहुत पतले पतले उनके हाथ पैर होते हैं, एटलीस्ट 21 days to 1 month तक। तो इस तरह के कपड़े में आप ज़रूर इन्वेस्ट करें। इसके साथ देखो, ये हमने अलग के टाइम पे ये लिया था सेट्स, जिसे आप टॉप एंड बॉटम का सेट कह सकते हो। इसमें ऐसे टॉप होता है, ये फ्रंट से ओपन होते हैं, यहाँ पे बटन भी हुई होती है, बहुत सॉफ्ट मटेरियल होता है, फुल स्लीव होता है। फुल स्लीव कपड़े लेना बहुत ज़रूरी है, हाफ कपड़ों में ज़्यादा इन्वेस्ट मत करो, यू विल फील रिग्रेट। और इसके साथ में ऐसे ही पैंट्स आते हैं, तो ये सेट आता है टॉप एंड बॉटम का, तो इस तरीके का आप सेट ज़रूर परचेज करो। इसके बाद हमने ये कुछ इस तरीके का स्पेगेटी नूडल स्ट्रैप वाला झबला स्टाइल इनर वेस्ट भी लिया था, जो कि न्यूबॉर्न को काम नहीं आया था। जब अनिका ऑलमोस्ट 1 month की होने वाली थी, हो गई थी, उसके बाद ही एक्चुअली यूज़ में आया, उसके पहले ये बिल्कुल भी यूज़ में नहीं आया था, क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं था। बच्चा छोटा होता है और वो इतने ज़्यादा गर्म टेम्परेचर में रहता है हमारे पेट में कि बाहर आने के बाद में उसको बहुत ठंड लगती है, और इस तरह के कपड़े तब काम नहीं आते। तो बच्चों को स्वेडल करना और पूरा पैक करके रखना ही प्रेफर किया जाता है। तो इस बार हमने इस तरह के जो स्वेडल्स मैंने आपको दिखाया, इस तरह के स्वेडल्स में मैंने इन्वेस्ट किया है, और ये चीज़ मैंने पहली प्रेगनेंसी से लर्न करी जो मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ। तो आप ये ज़रूर लो, ये काम आता है, लेकिन आप थोड़े बाद में भी इस तरह के कपड़ों को परचेज कर सकते हो। मिटन्स एंड बूटीज मैंने आपको ऑलरेडी बताई है कि आपको परचेज करना है, काफ़ी सारा हमारे पास ऑलरेडी था, आप देख सकते हो, और कुछ हमने इस बार भी परचेज किया है। तो इस तरह का स्टाइल में होता है मिटन्स, जो कि बच्चों के हाथ में यहाँ पर पहना देते हैं, पूरा कवर कर लेता है। ये न्यूबॉर्न बेबी के लिए एकदम इसेंशियल आइटम है, आप ज़रूर परचेज करो। इस तरह की बूटीज आती हैं जो आपको कैप के साथ में कॉम्बो में भी मिल जाएगी, सेपरेट भी मिल जाएगी, तो इसे ज़रूर परचेज करो। ये भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है, बहुत ही सॉफ्ट होती है, तो बच्चे का ऐसा फिटेड भी नहीं फील होता कि पैर में कुछ एकदम से पहना दिया है, और बच्चा बहुत कम्फर्ट भी फील करता है इसमें। अब यहाँ हमने नए कपड़े भी निकाल लिए हैं जो अभी रिसेंटली हमने परचेज किए थे। नए कपड़ों में क्या होता है कि लेबल्स वगैरह होते हैं, स्टिकर्स वगैरह होते हैं, जो कि आपको केयरफुली निकाल लेना है वॉश करने से पहले। इसके बाद ही आप कपड़ों को वॉश करिए। सबसे पहले हम यहाँ पर जितने भी लेबल्स हैं कपड़ों के, वो हम कट करेंगे 1 by 1, जिससे कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, और वॉश होने के बाद में जो एजेज हों वो भी सॉफ्ट हो जाए। इन लेबल को आपको कट करते समय ध्यान रखना है कि आप सिलाई छोड़ करके लेबल को कट करिए, जिससे कि सिलाई डिस्टर्ब नहीं हो कपड़े की। अगर थोड़ा भी थ्रेड कट गया सिलाई का, तो वहाँ से कपड़ा का जो सिलाई होता है वो खुल जाता है, और कपड़ा फिर बाद में ख़राब हो सकता है। अगर आप थोड़ा सा लेबल छोड़ करके कट करोगे, तो आप जब उसे वॉश करोगे ना, तो लेबल की जो एजेस होती हैं, जो थोड़ा सा उसमें पार्ट रह जाता है, वो थोड़ा सा सॉफ्ट होकर के अपने आप ही वॉश में निकल जाता है। अब ये आ गए बच्चों के कपड़े। तो जैसे ये सारे कपड़े हैं हमने H&M वगैरह से परचेज किए थे, ऑनलाइन लिए थे। इसके अंदर क्या होता है, बहुत सारे लेबल्स होते हैं, तो वो सारे लेबल आपको बिल्कुल ध्यान से देख करके कट करके निकालना है, क्योंकि कपड़े इतने क्यूट होते हैं ना, कपड़े नहीं ख़राब होने चाहिए और उसकी सिलाई नहीं ख़राब होनी चाहिए। तो थोड़ा एज छोड़ करके फिर आप लेबल्स कट कर लो। ये क्या होता है, फिर जब बच्चा पहनता है कपड़ा तो उसे बहुत फंसता है फिर, स्पेशली इनर वेयर के। तो ये सारे टैग्स रिमूव करने हैं, और जितने लेबल हैं अंदर वो सारे ही आपको रिमूव करने हैं। और इसका भी। हम लोग जा रहे हैं बाहर खाएंगे। अनिका के पास भी कैसी टू नॉट वाली कैप थी, सिंगल नॉट वाली कैप है। और ये देखो, ये स्वेडल है छोटू बेबी का, स्वेडल को मैं खोलूंगी। ये अभी वॉश नहीं होगा बेटा, ये सेपरेट वॉश होगा। लो अच्छा, इसी के साथ वॉश कर देंगे। अब इन कपड़ों के अंदर देखो आप, ऐसे लेबल लगे होते हैं, तो इसे बहुत ध्यान से कट करना होता है। तो देख रहे हो ना, ये धीरे धीरे वॉश में निकल जाता है ये लेबल। अब हम जा रहे हैं कपड़ों को वॉश करने। हम रात में ही वॉश कर देंगे और रात में ही इसे फैला देंगे, और जब सुबह धूप आएगी तो धूप में अच्छे से दिखा देंगे, जिससे कि हमारे कपड़े रेडी हो जाएंगे। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मामा अर्थ का ये प्लांट बेस्ड लॉन्ड्री डिटर्जेंट है, काफ़ी अच्छा है, और अनिका के टाइम से तो मैं यूज़ कर ही रही हूँ इसको, मेरा ट्रस्ट भी है इस पर। तो यहाँ कपड़े सब रेडी हैं, इसे मशीन में डालने वाले हैं।
इस लिक्विड के साथ में हम थोड़ा सा डिटॉल भी यूज़ कर रहे हैं। डिटॉल यूज़ करना ज़रूरी होता है वैसे भी, अगर आप नहीं चाहते हो तो हम नहीं यूज़ करो, लेकिन नए कपड़े हैं तो हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। नहीं नहीं रैपिड वॉश, क्विक वॉश। अरे ये हॉट वाटर कलेक्ट करो, स्टीम चल रहा है, ऑन है। कपड़ों को आप मशीन वॉश भी कर सकते हो, हैंड वॉश भी कर सकते हो। अगर आप हैंड वॉश कर रहे हैं, मेक श्योर कि आपने गर्म पानी का इस्तेमाल ज़रूर किया है, डिटॉल का भी यूज़ किया है और अच्छे से कपड़ों को सोक करके वॉश किया है। इसके बाद देखो यहाँ पर हमने ड्राई होने के लिए कपड़ों को डाल दिया है रैक पर, और ये ओवरनाइट फैन में ड्राई हो जाएंगे। कल सुबह फिर हम इसे धूप में अच्छे से दिखा देंगे। नेक्स्ट डे मॉर्निंग, और मॉर्निंग में मैं फ्रेशन अप होके खा रही हूँ। ये थोड़ा सा रोस्टेड चूड़ा है, ये खा रही हूँ। आजकल मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, एक तो रात भर अजीब सा फील होता है, खाने की इच्छा नहीं होती है, और सुबह भी बहुत भूख लगती है लेकिन खाने की इच्छा नहीं होती है। तो इससे मुझे बहुत आराम मिलता है, बहुत लाइट फील होता है मॉर्निंग में। फिर अब जो ये मॉर्निंग वाली भूख लगती है वो एकदम से ख़त्म तो होती नहीं है, देन अगेन मेरा कुछ खाने का मन होने लग गया और मैंगो की क्रेविंग होने लग गई थी। तो मैंने सफल को बोला कि आप मैंगो लेकर आओ और अभी मुझे खाना, और एकदम सुबह सुबह का टाइम था, 7:15 बज रहे थे। तो मैंने किसी को भी और डिस्टर्ब नहीं किया, इनको ही बोला कि आप लेकर के और मुझे खिलाओ। तो बस अब मैं मैंगो खा रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम रिफ्रेशिंग और बहुत सेटिस्फाइंग फील हो रहा है। बच्चे के सारे कपड़े आ चुके हैं यहाँ पर, ये ब्लैंकेट है, और मैं सारे कपड़े अभी प्रेस करके रखती जा रही हूँ, वन बाय वन पूरा पैक करके रखूँगी। तो ये रिसीविंग ब्लैंकेट है, अनिका का है, ये न्यू है, तो न्यू एंड ओल्ड हम सब कुछ कैटेगरी डिवाइड करके रखते जा रहे हैं। अब वॉश तो सब हो ही गए हैं, तो बस इनको प्रेस करना, आयरन करना एक बार अच्छे से, और उसके बाद फिर इसे रख देना है। अब वैसे तो ये सारे कपड़े अच्छे से वॉश हो चुके हैं और इसमें धूप भी लग चुकी है, लेकिन फिर भी एक बार आयरन करना ज़रूरी होता है, जिससे कि थोड़ा भी अगर मॉइस्चर हो तो वो सब निकल जाए कपड़े में से, एंड जो बैक्टीरिया वगैरह भी थोड़ा बहुत रह जाते हैं, बनते हैं नमी से, वो सब भी चले जाएं। तो एक बार अच्छे से आयरन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चों के कपड़े। तो वन बाय वन में सारे कपड़े, अभी यहाँ पर बहुत सारे कपड़े इकट्ठा हो गए हैं, तो वो आयरन कर रही हूँ। और इसके बाद सेकेंड राउंड में मैंने वॉश करके रखा है, इसमें बच्चे के वनजीज थे, रोमपर्स थे, वो सब भी रखे हुए हैं, तो वो भी कल वो भी ड्राई हो जाएंगे अच्छे से, फिर सन ड्राई करेंगे हम उसे, और फिर उसके बाद फिर उसे भी आयरन करके हम इसी तरीके से रखेंगे। mm-hmm.